अबरा जी बीबी, ये जाके हिदायत को दे आओ और उसे सख्ती से कहना कि साहब को अपने हाथों से खिलाएं। वो मना करें तब भी, इसके बाद उन्हें मेडिसिन भी देनी है। जी रुको, ये कहाँ ले जा रही हो? वो जी, ये जरबाब साहब का परहेजी खाना है। छोटी बीबी कह रही है कि मैं हिदायत से कहूँ कि जरबाब साहब को अपने हाथों से खाना खिलाए। इसे किचन में जाके रखो। जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयशा। क्या हो गया अम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई है? तुमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि अब तक तुम जरबाब के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। दो महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, तुमने अभी तक उसका एतमाद हासिल नहीं किया। उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं की। अम्मी, कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद हो। जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। नहीं आयशा, तुमने कोशिश की ही नहीं। तुम्हें उसका दिल जीतना है अच्छी बीवी बनकर। हम तुम्हें महज यहां पर घर के कामों की देखभाल के लिए नहीं लेकर आए हैं। हम तुम्हें जरबाब की बीवी बनाकर लेकर आए हैं इस घर में। तुम्हें उसे इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो देनी होगी कि वो उस मरकाल लड़की को हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन जब वो मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं, तो फिर मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा अच्छी बीवी बनकर। उसको मोहब्बत देकर, उसको तवज्जो देकर। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या फिर एक मां की इल्तिजा। देखो आयशा, जरबाब बुरी तरह से टूट चुका है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो।